नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पे। दोस्तों, आपके अनुरोध पे आज मैं आपको बताऊंगा हकीक के कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हकीक जो है ज्योतिषी शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। हकीक के रत्न एवं उपरत्न से बनी हुई माला बहुत ही फायदेमंद होती है, ज्योतिषी ऐसा मानते हैं और हम भी मानते हैं। ये जीवन में बहुत सारी जो है चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। हकीक की माला, कहते हैं हकीक की माला का जप करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हकीक की माला फरने के साथ यदि हनुमान जी के किसी मंत्र का जप किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदा, जो लोग हकीक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उन्हें काले हकीक की माला के बारे में ज़रूर पता होगा। ये एक ऐसी माला है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कहते हैं काले हकीक के मोती की माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा हमारे सारे कार्य में के प्रति एकाग्रता बढ़ते जाती है। अन्य रंग के भी होते हैं, क्या आप जानते हैं कि काले रंग के अलावा अन्य रंग के भी हकीक पाए जाते हैं। हर रंग का एक अपना महत्व होता है, तो मैं आज आपको बताता हूं काले हकीक का क्या महत्व है। जैसे कि हमने आपको बताया कि काला हकीक जो हमें शक्ति प्रदान करता है, मानसिक संतुलन बनाता है, जिससे हम विभिन्न परिस्थितियों को समझकर उसका समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं। इसके साथ ही ये एक सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न करता है। काला हकीक परीक्षाओं में सफल होने के लिए, यदि कोई छात्र कड़ी मेहनत के बाद भी परीक्षा में सफल नहीं हो रहा है, असमर्थ हो रहा है, तो उसे काले हकीक की माला पहननी चाहिए। यदि वह प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करना चाहता है तो काले हकीक की माला पहने। इसके अलावा मासिक धर्म रुक जाना या महिलाओं से संबंधित रोग होने पर हकीक माला पहनना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए यह रत्न बहुत शुभ माना जाता है। सफ़ेद हकीक अध्यात्म, मानसिक शांति, जीवन में संतुलन पाने एवं तनाव से बचने के लिए पहना जाता है। सफेद हकीक बहुत फायदेमंद है, तो सफ़ेद हकीक पहने और जो है आपको जो शांति मिलेगी। इसके अलावा पीला हकीक निडर और मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। पीला हकीक बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी पीले हकीक धारण किया जाता है। यदि आप जानते हो तो बता दूं कि जीवन में धन और सुख संपदा पाने के लिए भगवान को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। नींद, इसके अलावा जिन्हें नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, वो अपने तकिए के नीचे पीला हकीक रखें, इससे जो है आपको नींद आएगी और बुरे सपने आना बंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वह ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।